गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन साइकिल 3, यानी कि तीसरा साइकिल के लिए आपके लिए यहाँ पर ये ओपन है। तो यहाँ पर आप यानी कि नॉन प्लान में एडमिशन ले सकते हैं 11th क्लास में। जिस बच्चे ने अभी तक यानी कि क्लास 11th में एडमिशन नहीं लिया है, वो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो किस तरीके से आपको क्या करना है, तो पूरी डिटेल हम आपको इस जो सर्कुलर में दी गई है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पे और शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 4/8/2023 को ये सर्कुलर आया था, तो किसी कारणवश हम जो है इस पर लेट वीडियो आपको बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी अदर स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये लास्ट मौका है। तो आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे ही ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेड्यूल फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इज एज अंडर। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 7/8/2023 से लेके 20/8/2023 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, 20 तारीख 8वां महीना 2023 तक शाम को 5 बजे तक। और इसकी जो लिस्ट आउट होगी वो होगी इसकी 25/8/2023 को 12 बजे दोपहर में, 12 बजे के बाद में यानी कि जो लिस्ट है वो अलॉट की जाएगी, जो आपको स्कूल दिया जाएगा वो 25/8/2023 में वो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जहां से आप फॉर्म भरेंगे। कैसे भरेंगे तो आगे हम बताएंगे। तो यहां पे सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है 25 तारीख को, उस स्कूल में जाके 26 से लेके 31 तारीख के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो आपका यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे edudel.nic.in, ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है www.edudel.nic.in, ठीक है। तो इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे एडमिशन में जाएंगे, तो वहाँ पे क्लास 11th आपको नज़र आएगी। क्लास 11th पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नज़र आएगा वहाँ बाहर ही, तो उस पर आपने क्लिक करना है। तो अब इसमें कंडीशंस हैं कि आप साइंस स्ट्रीम्स विद मैथ लेना चाहते हैं, साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं, कॉमर्स विद मैथ लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ, या फिर ह्यूमैनिटीज़, और ह्यूमैनिटीज़ में भी इकोनॉमिक्स आप सब्जेक्ट जो लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले साइंस विद मैथ अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो आपकी एग्रीगेट यानी कि टोटल परसेंटेज, 5 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट की जो एग्रीगेट परसेंटेज है यानी कि जो टोटल परसेंटेज है वो 55 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो, और सब्जेक्ट में मिनिमम इंग्लिश में 50, मैथमेटिक्स में 50 और साइंस में भी 50 मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए, यानी कि मिनिमम है ये, मैक्सिमम कितना ही भी हो सकता है, इतनी कम से कम चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपको साइंस साइड नहीं दी जाएगी। साइंस विदाउट मैथ में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपकी यानी कि साइंस विदाउट मैथ में एग्रीगेट परसेंटेज 55% होनी चाहिए, इंग्लिश में 50, मैथमेटिक्स में 40 और साइंस में 50% आपकी होनी ही चाहिए। तो ये कंडीशंस चारों फिल होनी चाहिए तब आपको साइंस विदाउट मैथ मिलेगी। इसके बाद में कॉमर्स विद मैथ के लिए आपकी 50% ओवरऑल 50% चाहिए, इंग्लिश में 45 और मैथ में 50 और सोशल साइंस में आपके 45 मार्क्स चाहिए कॉमर्स विद मैथ के लिए। और कॉमर्स विदाउट मैथ अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 50% आपकी ओवरऑल होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में से किसी में भी अगर 45 हैं तो आपको वो, और फिर सोशल साइंस में 45, यानी कि एग्रीगेट टोटल 50%, हिंदी और इंग्लिश में 45 और सोशल साइंस में 45,
यानी कि 45 आपको परसेंटेज चाहिए, तो यानी कि 100 में से 45 मार्क्स आपके चाहिए, तो आपको कॉमर्स विदाउट मैथ मिल जाएगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज में लेना चाह रहे हैं तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ऑलरेडी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके यानी कि एग्रीगेट परसेंटेज जो है 45 होनी चाहिए। आर्ट साइड ह्यूमैनिटीज को आर्ट साइड भी कहा जाता है। अगर आप मैथ लेना चाह रहे हैं आर्ट्स में तो उसके लिए आपके मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, तीन मेन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम हैं जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं उनमें अगर आपके मार्क्स कम हैं तो 5% की आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। कब मिलेगी? जब आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो यानी कि आप जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें क्या है यानी कि आप एससी के हों, एसटी के हों, माइनॉरिटीज़ हो या ओबीसी आपके पास में हो, या कश्मीरी माइग्रेंट हों, या दोज स्टूडेंट्स हो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाए हों नेशनल गेम्स में, तो उन बच्चों को ये सिर्फ छूट मिलेगी, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उन बच्चों को नहीं मिलेगी। अगर वो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं और वो फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं गेम्स में, सेकंड या थर्ड पोजीशन लेके आए हैं, तो उनको ये ज़रूर छूट मिल जाएगी। अगर कोई भी बच्चा डिसेबली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स है, तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी 5% मार्क्स की इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्टों में फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज़ टू बी गिवन, जो वो स्ट्रीम लेना चाह रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट में उसको 5% मार्क्स की छूट मिल जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए हमने बता दी है। तो सभी बच्चे को मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेशन साथ के साथ में मिलती रहे, आपको सबसे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।